Hi Facebook users, myself Ashfa. So मैं बेंगलुरु की रहने वाली हूँ. ऐसे ही मैं लाइव नहीं आती. आज कुछ ज़रूरी सवाल है जो पूछने के लिए, जो मेरे मन में उछल रहा है उसको पूछने के लिए मैं आई हूँ लाइव में. कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे चाहिए. तो लॉकडाउन का वजह से जितना फ़ायदा हुआ है उतना नुकसान भी हुआ है. मैं सपोर्ट करती हूँ लॉकडाउन को. कोविड 19 का जो लॉकडाउन मोदी जी ने जो रूल्स या रेगुलेशंस नहीं दिया है, मैं सपोर्ट करती हूँ. इवन मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है. बातों नहीं है, मैं रिटेल में जॉब करती हूँ. तो हम लोगों का 5 मेंबर्स का फैमिली है, उसमें 2 लोग जॉब करते हैं. एक मैं हूँ, एक मेरे सिस्टर है. तो सैलरी भी इतना ज़्यादा नहीं है. ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोग रेंट पे रहते हैं या फिर दूसरे कोई स्टेट पे गए हैं, कोई सिटी पे गए हैं. ओनली फॉर रीज़न यही है कि उनको कमा के खाना है. उनके पास घर भी नहीं है, रहने का घर नहीं है, खाने का फूड्स नहीं है, इसीलिए गए हैं. तो सुना है बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने, बहुत सारे बड़े लोग जैसे टाटा बिरला, अंबानी, इनके जैसे बहुत सारे लोग ने डोनेशन बहुत दिया है. हाँ, तो फिर वो डोनेशंस कहाँ है? मेरे को तो एक पैसे भी नहीं मिला. घर में भूखी प्यासी बैठी हूँ, रेंट पे करने का पैसे नहीं है, खर्चा लेने का पैसे नहीं है. सुना है सलमान जी ने बहुत सारे 250 करोड़ डोनेशन किया है, अक्षय जी ने डोनेशन किया है. कहाँ है वो पैसा? क्यों नहीं मिला मेरे को? मेरे पास रहने का घर नहीं है, खाने का सामान नहीं है. किसका सामने जाके हाथ फैलाऊं? हाँ, किसको जाके बताऊं? हम लोगों का फैमिली हम लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं. किसी का अभी तक सैलरी नहीं आया है. इतना बड़ा कंपनी है, उनको पैसे क्या प्रॉब्लम है? उनको सैलरी पे करने में क्या दिक्कत है? हम लोगों ने बोला है क्या स्टॉप कर दो हम लोगों का काम, अभी बुलाओ काम पे जाऊंगी? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों सैलरी पे नहीं कर रहा है? इतने सारे लोग डोनेट कर रहे हैं तो कहाँ है डोनेशन का पैसा? किसको मिला है? मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, तो कौन खिलाएगा? हाँ, कौन पे करेगा रूम का रेंट? सैलरी नहीं मिल रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो कैसे खाना है हम लोगों को? सुसाइड करना है क्या? सब लोग डोनेट कर रहा है, बड़ा बड़ा पोस्टर छपा रहा है, मीडिया बुला के बोल रहा है, कहाँ जा रहा है इतना 250 करोड़ और 500 करोड़ का पैसा? वो सब कहाँ जा रहा है? हाँ, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जा रहा है? किसी को मिला है क्या? 5 रुपीज भी नहीं मिला है क्या किसी को? दिक्कत क्या है? क्या है पता नहीं. जहर दे दो सबको, खा के मर जाएंगे, भूखा नहीं मर सकते. जो लोग रिटेल में काम करते हैं, कितना बड़ा बड़ा कंपनी में काम करते हैं, 10 आवर्स का ड्यूटी करते हैं, उनमें उनको निचोड़ के ऐसे जूस निकाल के पीते हैं वो लोग, तो फिर अभी उनका सैलरी क्यों नहीं दे रहा है? क्यों उनका सैलरी पे बोनस क्यों नहीं आया? इतना प्रॉब्लम में 100 करोड़ 500 करोड़ दे रहा है, तो क्यों हम लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? बैठ बैठ के देखना है क्या? मेरा फैमिली भूखा मरना है क्या? कैसे रूम रेंट पे करना है? पीने का पानी लेना है, उसमें भी पैसा देना है, सभी चीज में पैसा देना है, तो क्यों? मेरा मम्मी का इलाज का पैसा नहीं है,
सब लोग शो ऑफ कर रहा है, पैसा दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? बताओ क्यों नहीं मिल रहा है? किसके सामने जाके हाथ फैलाए? हाँ, भीख मांगे क्या जाके? कोई लोग अपना गांव पे जा रहा है पैदल चल के, मेरे पास मेरा गांव में घर भी नहीं है जाके रहने को, रेंट पे रहती हूँ मैं, अभी मैं कहाँ से 10,000 रूम रेंट पे करूँ? किसी का सैलरी 12,000 है तो उसको 6,000 आ रहा है, क्यों 6,000 के जहर लेके पीने के लिए आ रहा है? जिनके वजह से ये एम्प्लॉयज के वजह से ये बड़ा बड़ा रिटेल कंपनी चलता है, हाँ, तो उनको क्या 3,000, 4,000, 2,000 बोनस नहीं पे कर सकते? इतना ही लिमिट में पे कर रहा है। कहा पेटीएम ने, एसबीआई ने, किसने डोनेट कर दिया? कहा है पैसा? क्यों नहीं मिल रहा है हम लोगों को? कोई कहा मेरे को एक पैसे भी नहीं मिला, खाने को सब्जियां नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, घर बैठ के मरना है क्या? मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसा बहुत लोग है, मुंह में कपड़ा ढाल के बैठा है, कोई बात नहीं कर रहा है। मेरे को नहीं मरना है ऐसे, कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। काम करो, जहर जहर है ना, डिस्ट्रीब्यूट करो सब में, खा के मर जाएंगे। जिनके सैलरी बहुत कम है वो लोग क्या करेंगे बोलो? जिनका 12,000 का सैलरी उनको 6,000 आएगा, तो जहर लेके पीना है क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग बैठा है घर पे आराम से, उनको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मेरे जैसे जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको प्रॉब्लम है, उनको क्या प्रॉब्लम है? शोव कर रहा है सलमान खान, मैं डोनेट कर दिया 250 करोड़, अक्षय कुमार मैं डोनेट कर दिया, अमिताभ बच्चन मैं डोनेट कर दिया, कहाँ है आप लोगों का पैसा? सब लोग मैं इतना डोनेट कर रहे, तो कहाँ है पैसा? प्रूफ चाहिए मुझे। 500 भी नहीं आया किसी का अकाउंट में, ऊपर से सैलरी काट कर रहा है। गवर्नमेंट जो भी रूल्स दे रहा है सब लोग फॉलो कर रहा है, हाँ, जो लोग फॉलो नहीं कर उनको पनिशमेंट दे दो। हम लोगों का क्या फॉल्ट है? घर पे बैठा है, बाहर नहीं निकाल रहा है, घर पे बैठ रहा है, जो बोल रहे ताली बजाओ, मोमबाती जलाओ, कैंडल जला लो, सब कुछ कर रहा है ना। अभी क्या दिमाग भी जला दूं, खुद जल जाऊं क्या? कोई भी बात नहीं कर रहा है, आवाज नहीं उठा रहा है, क्यों मरना है क्या आप लोगों को घर पे बैठ के? अरे यार आवाज उठाओ, क्यों डरते हो सबसे? मरना है तो ऐसे ही मर जाओ, शेर जैसे मरो, बिल्ली जैसे, घर पे छुप के मरने का कोई जरूरत नहीं है। और सलमान खान जैसा ये बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है ना, अक्षय कुमार जैसा, सलमान खान, उस सबका नाम नहीं आता है मेरे को, टाइम नहीं है सिनेमा देखने के लिए। डायरेक्ट क्यों नहीं डायरेक्ट पे करो, जो लोग नीडी है उनके अकाउंट में डायरेक्ट पे करो। कितना बड़ा बड़ा लोग है, अंबानी जैसा, बिरला जैसा, टाटा जैसा लोग है, डायरेक्टली क्यों पे नहीं कर रहा है? हाँ, मजाक लग रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि घर पे बाप का पैसा है ना, बैठ के खा रहे हैं, इसलिए मजाक लग रहा है। जिसका फैमिली उसका ऊपर डिपेंड है ना, उसको पता है कैसे चलते हैं फैमिली। जिसका घर पे रहने के लिए घर नहीं है ना, खाने के लिए खाना नहीं, उनको पता है लाइफ क्या होता है। हम लोग अपना मर्जी से थोड़ी ना घर पे बैठे हैं, कि हम लोग बोला है क्या घर पे बैठना है हम लोगों को, बैठ बैठ के सैलरी लेना है? तो फिर क्यों नहीं सैलरी आ रहा है? हाँ, क्यों सैलरी पे नहीं कर रहा है?
किसी का घर में मम्मी बीमार है, किसी का बहन बीमार है, किसी का छोटा भाई बीमार है, किसी को खाने का पैसा नहीं है, किसको जाके बताए ये सब। हाँ, वो लोग तो आराम से घर पे बैठा है, ऐसी रूम है उनके पास, अच्छा खासा खाना है, हम लोगों को एक बूंद पानी लेने को भी पैसा पे करना है। किसी को बात नहीं करना है, आवाज़ नहीं उठाना है, मत उठाओ, मेरे वीडियो को शेयर करो। मैं नहीं डरती किसी से, बात करके मरना है तो मर जाऊंगी। रिक्वेस्ट है सबसे, मेरी वीडियोस को शेयर करना, मेरी वीडियो को जो लाइव वीडियो है इसको शेयर करना प्लीज़। क्योंकि मीडिया ही एक सोशल मीडिया एक जरिया है जिसके वजह से जिसमें से आप अपना आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं, सब लोग मिलकर बात करो। ऐसे ही लॉकडाउन 1 मंथ या 2 मंथ एक्सटेंड होगा ना, तो मेरे जैसा जिनके ऊपर फैमिली डिपेंड है, जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिनके पास रहने का घर नहीं है, उनके पास दो ही रास्ता होगा। एक बैठ बैठ के घर में जो लोग है वो लोग को मरते हुए देखना है, नहीं तो खुद सुसाइड करना है। मैं किसी से हेल्प नहीं मांग रही हूँ, बस इतना है मेरा वीडियोस को शेयर करना प्लीज़। जितना हो सके शेयर करना। सब लोग मिलकर लड़ने से कुछ होता था, कोई भी नहीं है लड़ने वाला। घर बैठ बैठ के बड़ा बड़ा बात करो, जब सांस यहाँ आके अटक जाएगा ना तब बात करने का भी टाइम नहीं रहेगा। और मैं अपना फैमिली को मरते हुए नहीं देख सकती, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे, मेरी वीडियो को शेयर करना।